हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट स्प्रिंट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशंस, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेट का मीनिंग होता है नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्सैक्ट, बट क्लोज टू द एक्सैक्ट वैल्यू। राइट, अप्रोक्सीमेट यानी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर, बट इट मे नॉट बी द एक्चुअल आंसर। राइट, अब अप्रोक्सीमेशन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसे एक अलग टॉपिक माना जाता है। स्पेशली बैंक एग्जाम्स में अगर आप देखें, अप्रोक्सीमेशन का वेटेज 5 मार्क्स तक का होता है। एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन जैसे ही होंगे। राइट, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन में देखा था, नंबर दिए जाते हैं अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, हमें सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आएगी। राइट, एंड हमें एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। अप्रोक्सीमेशन में हमें इसी टाइप के क्वेश्चन में एक अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना होगा, यानी हम एक्चुअल आंसर फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एक क्लोज टू द एक्चुअल आंसर, राइट, एक अप्रोक्सीमेट आंसर वहां पर इवेल्युएट करेंगे। राइट, सो इस केस में भी, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में भी हम बॉटमास रूल ही अप्लाई करेंगे। राइट, जो प्रॉपर हायरार्की है उसे हमें फॉलो करना होगा, लेकिन एग्जैक्ट या प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम किस लेवल तक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा दिए गए आंसर ऑप्शन पर। बेसिकली अगर देखा जाए, अप्रोक्सीमेशन में किसी एक ऑप्शन को हम राइट नहीं कह सकते हैं। राइट, दिए गए आंसर ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं करना होता है, दिए गए आंसर ऑप्शंस में से हमें बेस्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि अप्रोक्सीमेट का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीनिंग डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये अलग अलग मानी जा सकती है। जैसे मान ले किसी क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर हो 9843। राइट, फाइनल जो एक्यूरेट आंसर है यह है 9843। अब इस 9843 को अप्रोक्सीमेटली 9840 लिया जा सकता है, 9845 भी ले सकते हैं, 9840 ले सकते हैं, 9800 भी लिया जा सकता है, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करें तो 10,000 भी कह सकते हैं, क्योंकि 9800 एंड 10,000 एक तरह से क्लोज है। डिपेंड करेगा कि आप किन वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेशन आप समझ लें करेक्ट आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेशन यानी एक्चुअल आंसर तो है ही नहीं, लेकिन इसका ऐसे कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है, दिए गए ऑप्शन में से हमें बेस्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको 2, 3, 4 ऑप्शंस यू नो क्लोज लगेंगे, तो अब ऑप्शंस जितने क्लोज हो उतना प्रिसाइज कैलकुलेशन हमें करना होगा। अगर दिए गए ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इनके बीच में डिफरेंस काफी है, देन हम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्लोज आंसर दिए जाए, जैसे 9843 के केस में अगर मान लें ऑप्शंस 9830, 9840, 9850, 9865, ऐसे अगर ऑप्शंस दिए जाए तो आपको बहुत प्रॉपरली करना होगा, क्योंकि ऑप्शंस सारे देख सकते हैं क्लोज हैं। राइट, काफी क्लोज हैं, तो आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करना होगा कि आंसर क्या है। लेकिन इसी केस में अगर मान लें ऑप्शंस दिए जाए 9200, 9800, 9500, 8900, देन आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि कैसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सो इस केस में ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस, क्योंकि इन्हीं को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किस टाइप का अप्रोक्सीमेशन एंड किस हद तक अप्रोक्सीमेशन करना है। तो ये हो गया बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है एंड 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज भी अगर देखा जाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशंस करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन हमें हर क्वेश्चन में करना होता है। अब सिंप्लीफिकेशन अगर हर क्वेश्चन में करना होता है तो हर क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। जैसे मान लिया आप टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वैसे तो क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल आंसर ही पूछा जाएगा, लेकिन दिए गए ऑप्शंस को देखकर हम अप्रोक्सीमेट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कई बार अप्रोक्सीमेट आंसर भी पूछा जाता है। राइट, जैसे अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक ले लें, इनमें कई क्वेश्चन में दिया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या परसेंटेज होगा। राइट, सो सिर्फ बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हुए। अब वैसे तो हर क्वेश्चन नया लगेगा, राइट, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या फिर आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करते समय। सी ध्यान रहे, सिंप्लीफिकेशंस में हमने कुछ स्पेशल टेक्निक्स डिस्कस की थी, जैसे कि यूनिट प्लेस मेथड, डिजिटल रूट मेथड, लेकिन ये सभी टेक्निक्स हम अप्रोक्सीमेशंस में नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
रूल फॉलो करना होगा. कौन सा रूल? बॉड मास रूल, राइट. ये यहां पर भी फॉलो किया जाएगा. लेकिन यूनिट प्लेस मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमें एक्चुअल आंसर नहीं चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए. सिमिलरली डिजिटल रूट मेथड या रूट डिजिट मेथड अगर अप्लाई करें तो गलत आंसर आ सकता है, राइट. सो सिंप्लीफिकेशन ऐसा ही है, लेकिन आप कुछ स्पेशल टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट. आपको बस ऑप्शंस को देखकर, ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है.